हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिनको करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों चला जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी खास यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसका एक ही बार इस्तेमाल करने से आपके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे, जिससे आप समय भी बचा सकेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है यहाँ पर दिए को लेकर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिए को इस तरह से घिस लेना है। घिसने के बाद आपको यहाँ पे डालना है करीबन आधा चम्मच टाटा नमक, जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको डाल लेना है यहाँ पे थोड़ा विनेगर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनकर के तैयार होगा बहुत ही काम का है और जो सभी को बहुत ही ज़रूरत है, ये एक ही बार में आपके काम को आसान कर देगा। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तीनों चीज़ों को। और जो यहाँ पे दिए का काम क्या है, जो भी हम लोग के भगवान के जो बर्तन होते हैं पीतल या तांबे को, वो एक ही बार में साफ़ कर देता है बगैर मेहनत। यहाँ देखिए मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही हल्के से लगाया, बिल्कुल मैंने रगड़ा भी नहीं और ये तांबे का बर्तन बिल्कुल साफ और क्लीन हो गया है। तो इस तरह से अगर आप दिए को घिसेंगी और बहुत ही आराम से अपने जो पीतल और तांबे के जो बर्तन होती है ना, उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस तरह से दिए को घिस के उसका पाउडर बना करके रख लेना है। और जब भी आपको ज़रूरत हो, बस थोड़ा सा आप उसमें नमक डालिए और थोड़ा सा आप उसमें विनेगर डालिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन होने लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है, आपको पानी डाल करके दिखाती हूँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट हम लोग के बर्तन भी एकदम साफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया, पूरे बर्तन को भी मैं घिस के दिखाऊंगी। तो फटाफट ये हम लोग के काम आसान हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बाहर से महंगे महंगे केमिकल या कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं जिससे हमारे बर्तन बिल्कुल अच्छे से साफ लगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, पानी से धुल के दिखाती हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप सॉल्यूशन को लगाएं तुरंत धुलने के बाद एक सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। तो ये देखिए कितनी दार बढ़िया एकदम नया हो गया और चमक भी गया। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे, जो मैंने दिया पहले घिसा था, तो घिसने की एक काम और कर सकते हैं जिससे जो हमारे जो ग्रेटर वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से शार्प हो जाएंगे। जब भी हम लोग के ग्रेटर पुराने हो जाते हैं तो उसमें जो धार चमक कैसे लाएं, आपको क्या करना है, दिया लेना है कोई भी पुराना, बस इस तरह से दिए आपको इसके ऊपर से रगड़ना है। रगड़ते रगड़ते जो भी इसका चूरा निकलेगा, जो भी पाउडर निकलता है, उसको हम लोग इस तरह से बर्तन को चमकाने में यूज़ कर सकते हैं और जो ग्रेटर है वो भी हम लोग का बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगा। तो बस आपको इस तरह से दिए को घिस लेना है। तो यहाँ देखिए काफ़ी पाउडर निकल आया है। तो इस ट्रिक से, एक दिए की हेल्प से, हम लोग बहुत अच्छे से दोनों काम को कर सकते हैं, अपने बर्तनों को भी चमका सकते हैं और जो इसकी धार मर जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको भी हम लोग वापस ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा जैसे अभी हम लोग न्यू लेकर के आए। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर मशीन को लेकर के है। वैसे तो कपड़ों की सिलाई हम लोग मशीन से ही करते हैं, आज मैं बताऊंगी एक कंघे की हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से सिलाई कैसे कर सकती हैं। आप यहाँ पे कोई भी कंघे का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी ऐसा कपड़ा ले लीजिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग किसी भी कपड़े में अगर प्लेट वगैरह बनानी होती है, सोचते बहुत ही अच्छे से प्लेट बनाएं जिससे ये इक्वल आए, बराबर आए, बिल्कुल भी छोटी बड़ी ना हो। हाथ से अगर हम लोग प्लेट बनाते हैं तो क्या होता है, कभी छोटी या बड़ी हो जाती है। आपको क्या करना है, अगर आपको पतली प्लेट्स बनानी है तो इस तरह से कंघी का यूज करिए, और थोड़ी सी मोटी या बड़ी बनानी है तो आपको मोटा वाला कंघा ले लेना है। तो यहां पे मैंने पतली कंघी ली है, आपको इस तरह से कंघी को लगाना है। कपड़े को मोड़ने के बाद तुरंत आप कंघी को हटा दीजिए। आप देखेंगे जब इस तरह से आप प्लेट बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसान तरीके से और सारी प्लेट हम लोग की एक जैसी बनेंगी, बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी। तो इस तरह से जब आप जुगाड़ करके एक कंघे की हेल्प से प्लेट बनाएंगे तो बिल्कुल भी आसान तरीका हो जाएगा, हम लोग का समय भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और जितनी भी प्लेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल बनेंगी, बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई अच्छे से कर ली है, प्लेट भी हम लोग की बिल्कुल बराबर बनी है। इसी तरह आपको थोड़ी चौड़ी और ज़्यादा प्लेट्स बनानी है तो आप बड़े वाले कंघे का यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से कंघे की हेल्प से हम लोग अपने काम को बहुत ही आसान कर पाएंगे, जो बहुत ही यूजफुल है। तो आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। एक कंघे का यूज हम लोग और कर सकते हैं, कंघे का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसकी नोक निकली हुई थी कंघे में, आपको इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा लगाना है, फिर इस तरह से एक रबड़ बैंड लगा देनी है। मशीन में हम लोग ऑयलिंग वगैरह अच्छे से कर देते हैं, लेकिन अंदर थोड़ी बहुत जो उनके होल वगैरह होते हैं तो अंदर गर्दा चली जाती, उसको हम लोग कैसे निकाल लें। तो इस तरह जो कंघे का पीछे वाला पार्ट है,
उसमें कपड़ा लगाने के बाद जब आप क्लीन करेंगी ना, तो आप देखेंगी थोड़ी बहुत भी जो गंदगी है वो निकलने लगेगी। यही गंदगी अंदर जमने लगती है, जिससे हम लोगों की मशीन जाम हो जाती है। फिर चाहे जितना भी हम लोग ऑयलिंग वगैरह करें, बिल्कुल भी साफ नहीं होती है। तो इस तरह से एक कंघी की हेल्प से जितने भी होल हैं हम लोग उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी मैल निकला हुआ है, आप कपड़े को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ मैंने दूसरा कपड़ा ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो नीचे मशीन में अंदर जितनी भी गंदगी होती है हम लोग ब्रश से साफ कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर के कोने होते हैं उसमें हम लोग इस तरह से कंघी से जब साफ करेंगे ना, तो जितनी भी मशीन है हम लोग की पूरी क्लीन हो जाएगी और मशीन हम लोग की सालों साल चलेगी। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी, यहाँ पर मशीन का यूज़ तो हम लोग कर लेते हैं, बहुत सी मशीन में ऐसा होता है कि कवर नहीं होता है, तो कवर भी हम लोग घर में बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना ही हम लोग को सिलना है, ना कुछ काटना है। कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए, ऊपर वाले जो गले वाला पार्ट होता है आपको थोड़ा सा पकड़ना है और रबड़ बैंड इस तरह से लगा देना है। आप चाहे तो जो उसकी आस्तीन होती है आप उसको काट दीजिए, मैंने उसको ऐसे ही रखा है। बस मैंने इस तरह से मोटी वाली रबड़ बैंड को लगा दिया है उल्टा करके कपड़ा। अब आपको कपड़े को सीधे कर लेना है और सीधा करने के बस आप इस तरह से जब मशीन को पहनाएंगी ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा कवर हम लोग का बन करके तैयार हो जाएगा। जितनी भी धूल गर्दा हम लोग की मशीन में जाती थी वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा बगैर सिले बगैर काटे हम लोग का कवर बन करके तैयार हो गया पुरानी टी शर्ट से। तो इस तरह से अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, इससे हम लोग की मशीन सेफ रहेगी। अगर कोई भी धूल गर्दा आती है तो बगैर कवर के हम लोग की मशीन हमेशा साफ सुथरी रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, ये छोटे छोटे जुगाड़ करके आप अपने काम को आसान कर सकती हैं और बेहतर भी। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।